सुशांत सिंह राजपूत केस ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती 14 दिन की हिरासत में। रिया ने बॉलीवुड के कई स्टार्स का लिया नाम जो या तो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग पार्टी में शामिल होते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम ड्रग मामले में सामने आया है। अब पूछताछ होगी सारा अली खान से, जहां पर अब इसी मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर भी सामने आया जिसने कई सारे राज खोले। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर का नाम धीरेंद्र यादव है, जिससे अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। धीरेंद्र ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे सुशांत के साथ उनके काम की शुरुआत साल 2018 के अप्रैल से 2019 तक हुई। इसी के साथ ड्राइवर ने यह भी बताया कि सुशांत और सारा एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब उनसे पूछा गया कि सारा सुशांत के घर आती थी, तब ड्राइवर ने कहा कि वो सारा घर पर नहीं आती थी, लेकिन दोनों केदारनाथ के प्रमोशन के दौरान बिग बॉस के घर गए थे और उसी दौरान दोनों का बॉन्ड हुआ था। सुशांत के दोस्त सैमुअल हॉकिप ने इससे पहले कहा था कि सुशांत और सारा जनवरी 2019 में थाईलैंड ट्रिप पर गए थे। थाईलैंड ट्रिप के सवाल पर ड्राइवर ने कहा कि ट्रिप से आने के बाद सारा नहीं थी साथ में। आगे ये भी बताया कि शायद 10 दिन का ट्रिप था, तब सोन चिरैया रिलीज हुई थी, मैं उसके बाद छुट्टी पर चला गया था। सुशांत के ड्रग्स लेने पर सवाल पर ड्राइवर ने कहा कि मैं जब काम करता था तब कोई ड्रग्स नहीं लेता था, सभी का एक नियमित शेड्यूल था। हम ज़्यादातर साथ में शूटिंग पर जाते थे, वो टेनिस क्रिकेट और दूसरे खेल खेलते थे। और साथ ही ड्राइवर ने खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद से सुशांत और उनके परिवार के कनेक्शंस खराब होने लगे। तो ये है पूरी खबर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि सुशांत के साथ जब वो 2019 के अप्रैल तक काम करता था तब तक वो ड्रग्स नहीं लेता था। यानी कि सच ये है कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही सुशांत को ड्रग्स की आदत पड़ी और रिया चक्रवर्ती ही बड़ी चालाकी से सुशांत को ड्रग्स देती थी, जहां पर रिया यही चाहती थी कि सुशांत ड्रग्स का आदि हो जाए और उसके बाद सिर्फ रिया के इशारों पर नाचे। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।